हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश श्रीमाल। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के एग्जामिनेशन में 94th रैंक हासिल की है। टुडे आई वांट टू डिस्कस विथ रिगार्ड टू द प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। मैंने 2021 का प्रीलिम्स का पेपर देखा है एंड बहुत से एस्पायरेंट्स ने मुझसे पूछा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, अगर प्रीलिम्स इतना अनप्रडिक्टेबल है। लास्ट ईयर का भी प्रीलिम्स ऐसा था एंड सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स द पैटर्न ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज चेंज, देन हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। सो आई वुड नॉट सजेस्ट अबाउट दी टॉपिक्स दैट यू हैव टू रीड। मैं उस तरीके की बात करूँगा जिससे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और जो आपके चांसेज है ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। आई वुड जस्ट रिलाई अपॉन दिस एंड दैट इज़ वॉट आई वुड डिस्कस इन दिस वीडियो विद DKT। सो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी, आई वुड सजेस्ट रीड दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स विद इंडियन पॉलिटी। इससे आपको ये पता चल सकता है कि UPSC किस लाइंस में क्वेश्चन पूछता है, हाउ एग्जैक्टली UPSC's क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एट दी एंड, बिकॉज आपको UPSC के आंसर्स करने हैं। नॉलेज बेस डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपको ये पता होगा कि UPSC का लाइन ऑफ आस्किंग क्या है और किस डायरेक्शंस पे, किस टॉपिक्स पे UPSC ज़्यादा पूछ सकता है, देन यू कैन पर्टिकुलरली डेविएट योर अटेंशन टू दैट टॉपिक। इन दिस वे यू कैन डू दिस। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ UPSC। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में GS एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोज आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं, आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स, सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो GS को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। सेकेंडली, व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप मेंस की एक प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए। डू एंड योर बेसिक प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स, मे बी इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और वॉट एवर द बेसिक सोर्सेज यू आर फॉलोइंग, आप एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ चलनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड यू जस्ट डोंट हैव टू क्लियर प्रीलिम्स, आपको प्री के बाद मेंस भी क्लियर होना चाहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो बाय द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट कर लीजिए, जो भी स्मॉल टॉपिक्स और मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। मिड फरवरी और फरवरी से आप स्टार्ट कीजिए प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन। बाय डेडिकेटेड प्रिपरेशन आई वुड मीन पिक अप अ टॉपिक कंप्लीटेड पूरे, आप एक इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कीजिए, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लीजिए स्टार्टिंग में 4-5 टॉपिक्स जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। आई वुड लिस्ट एट पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री, दिस आर द 4 टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू। ये 4 टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए और इनके सेक्शनल टेस्ट भी लगा लीजिए, एटलीस्ट 1 एंड मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट। इन टेस्ट को करने के बाद आफ्टर द एंड ऑफ 1 मंथ और 1.5 मंथ यू विल बी कम्प्लीटिंग ऑल दिस मेजर टॉपिक्स, फिर जो स्मॉल टॉपिक्स है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। सेकेंड, वॉट एग्जैक्टली UPSC इज आस्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से आपकी UPSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि नॉट ओनली UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट ऑल अदर एग्जामिनेशन जो UPSC कंडक्ट कराता है उसकी भी आप प्रिपरेशन किए, उसके आप टेस्ट जो है आप उसको देखिए क्वेश्चन को। और बहुत बार ये होता है कि CDS के क्वेश्चन है या NDA का क्वेश्चन है वो UPSC में सम हाउ और दी अदर रिपीट होता है, तो यू कैन डू 5-7 ईयर्स क्वेश्चन ऑफ CDS 1-2, NDA 1 and 2 and CAPF, and if you have time you can also look at the questions of Indian engineering services, usme bhi kuch GS ke questions aate hain which you can pick up. Sare questions important nahi hai definitely, because NDA mein science and technology ke jo questions hote hain wo 12th school ke level pe hote hain aur wo UPSC ke examination ke point of view se utne important nahi honge, but you have to selectively pick up the questions aur aap usko mark karke rakh lijiye kahin pe. Then jab aap टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, सो वॉट शुड बी योर मोटो ऑफ गिविंग अ टेस्ट सीरीज। आई हैव सीन पीपल जो आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद दे स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। आई वुड नॉट पर्सनली सजेस्ट दैट, बिकॉज जब आप नोट्स बनाने पर बिजी हो जाते हैं फिर आपका डायरेक्शन जो है वो कम्प्लीटली नोट मेकिंग में हो सकता है। इस साल की जो प्रीलिम्स का पेपर था, देयर आर क्वेश्चंस जिसको आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना टेस्ट सीरीज उसे पूछता है, ना टेस्ट सीरीज में जो ना जो मैगजीन्स आते हैं मंथली मैगजीन्स उस पर वो आती है, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, जो कि एक कम्प्लीटली न्यू चीज़ थी। लेकिन यू कैन प्रिपेयर दिस बाई वन एवर यू गिव अ टेस्ट, तो आपको टेस्ट पे ये देखना है कि कैसे एक आंसर को आपने अप्रोच किया। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि इस पे डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर इज़ 2 आवर्स ऑफ
टेस्ट देन देयर शुड बी वन एंड हाफ और टू आवर्स ऑफ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टेस्ट. उस टेस्ट पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड आपके फ्रेंड ने भी वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ लेकिन यूर फ्रेंड हैज़ डन इज़ राइट, तो उससे आप ये पूछिए कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव अप्रोच दिस आंसर. अगर उसने नॉलेज बेस से किया है तो ठीक है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन अगर उसने ये चीज़ किया है आपके कुछ ट्रिक्स यूज़ करके या फिर कुछ ऐसी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ में, यू विल सी कि जब आपने 40 टू 50 टेस्ट लगाए हैं बाय द एंड ऑफ योर इंटायर प्रोसेस, आपके पास एक सेट ऑफ कुछ ट्रिक्स होंगे, एक सेट ऑफ आइडियाज़ होंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स होंगे विच यू कैन फॉलो एंड यू विल बी मैक्सिमाइजिंग योर आंसर. जब आपके स्कोर्स देखोगे आप, पहले आपको 60s 70s में स्कोर आएंगे, लेकिन इस तरह के जो ट्रिक्स यूज़ करके आप अपने स्कोर्स को कंसिस्टेंटली अबव 110 ला सकते हैं, विच इज़ ए कम्फर्टेबल स्कोर फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स. प्रीलिम्स का दूसरा इशू ये भी है कि इन एनी केस यू विल बी नोइंग जस्ट 30 to 35 क्वेश्चन एग्जैक्टली. अब वॉट नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है देन यू हैव टू डू करेक्ट एटलीस्ट 60 क्वेश्चन इन सेफ साइड. सो हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू इट, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज बेस से सिर्फ 30 to 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने मैक्सिमम टेस्ट लगाया है, जो CDS NDA के क्वेश्चन है, उससे आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे एक आंसर को अप्रोच करना है, एंड देन यू विल बी रियलाइजिंग कि आपका जो इंट्यूशन है, जो आपका लेवल ऑफ आंसरिंग है और जो कितना करेक्ट हो रहा है उस क्वेश्चन में से, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है. सो दिस इज़ द प्रीलिम्स स्ट्रेटजी दैट यू मस्ट फॉलो, दैट आई वुड पर्सनली सजेस्ट. उसके अलावा कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं दैट यू हैव टू पिक. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिपोर्ट्स वाले टॉपिक्स होते हैं कि इंटरनेशनल कमिटीज़ जो रिपोर्ट देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एट्सेट्रा, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस. इस लिस्ट को आप कंटिन्यूसली रिवाइज़ करते जाइए. जब आप ये लिस्ट कंटिन्यूस रिवाइज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, जब आप प्रीलिम्स मे बी 2 weeks or 3 weeks के बाद है, यू वॉन्ट बी फेसिंग ए प्रॉब्लम कि ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया. जब अदर्स बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा, आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी. सेकेंडली, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तरह के क्वेश्चन हर साल UPSC पूछता है. सो हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू प्रिपेयर इट, बिकॉज देर आर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अराउंड 100 नेशनल पार्क्स, यू कैन नॉट नो द नेम ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ दिस. सो जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं और मे बी मंथली मैगजीन्स, कीप अ मैप बिसाइड यू. आप मैप में उस चीज़ को पॉइंट करते जाइए. फॉर एग्ज़ाम्पल, राजा जी नेशनल पार्क है, सो मैप इन द नॉर्दर्न साइड इन द उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड बॉर्डर. सो ये आप मार्क करते जाइए. एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइंड कि आपके पास वो मैप है जिसमें करंट अफेयर्स में जितने भी नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स आए हैं, वो उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है. एंड आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीज़ अलग अलग होनी चाहिए. एक नेशनल पार्क की अलग मैप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अलग मैप, इवन फॉर कल्चरल, यू कैन डू द सेम थिंग फॉर कल्चरल हेरिटेज, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एट्सेट्रा. और ये जब आप मैप में पॉइंट आउट करते हैं, यू हैव ए पिक्टोग्राफिकल मेमोरी जो कि आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को रिटेन करने के लिए. एंड आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज़ करते जाइए, मे बी वीकली और मंथली बेसिस. एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, यू विल फाइंड कि ये चीज़ आपको बाय हार्ट है ऑलरेडी, तो आपके एफर्ट्स बहुत कम हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि कैसे आप प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको याद करनी होती है, हिस्ट्री और मे बी दी टाइम लाइन, हिंदी हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में आर्टिकल्स, ये सब याद करनी होती है. DKT UPSC CSE, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल. यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप टेस्ट लिखें, जब आप मॉक टेस्ट लिखें, मॉक टेस्ट आप उसी टाइम पे लिखें जिस टाइम पे यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है, 9:30 to 11:30 AM. और जो 9:30 के पहले का टाइम है, जनरली पीपल डू कि ओके टुडे वी हैव मॉक टेस्ट, लेट्स रिलैक्स टुडे एंड वी हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट. आई वुड सजेस्ट रीड मोर दैट डे, वेक अप एन आवर अर्ली. उसके बाद आप उस टाइम पे 2 घंटे पे आप पूरे दिन का प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड आई हैव पर्सनली फेल्ड दिस, क्योंकि वो 2 घंटे में आपको एक कम्प्लीट सब्जेक्ट कम्प्लीट करना है पूरा. एंड इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना है. नो, डेफिनेटली नॉट. पिक अप वन टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री. आप एक दिन पे, जब भले आप फुल लेंथ टेस्ट दिला रहे हैं, डू मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली. आप पेजेस पलट लीजिए, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आप कीजिए,
और 2 घंटे में आप एक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गिव फुल लेंथ टेस्ट, चेंज द टॉपिक, मे बी पॉलिटी, नेक्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स, एंड यू विल सी कि बाय द एंड ऑफ 7 or 8 फुल लेंथ टेस्ट यू हैव कम्प्लीटली रिवाइज योर सिलेबस. एंड दिस इज द वे यू कैन मैक्सिमाइज यूर एफर्ट्स, यू कैन मैक्सिमाइज यूर रिविजन, और एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट. सो यू पी एस सी प्रिलिम्स इज एम्बिग्यूअस, यू पी एस सी प्रिलिम्स इज अनसर्टेन, एंड इवन सम टॉपर्स कुडंट क्लियर प्रिलिम्स इन देयर नेक्स्ट अटेम्प्ट्स. लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, आई एम डेफिनेटली सर्टेन कि यूर चांसेज ऑफ क्लियरिंग प्रिलिम्स वुड इंक्रीज. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.